हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे ग्रीगोरियन कैलेंडर की, उस कैलेंडर की जिससे शुरू होती है नई साल की शुरुआत। हम आपको बताएंगे ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में, साथ ही हम आपको बताएंगे कब इससे शुरू या कब से लागू हुआ ग्रीगोरियन कैलेंडर, और बताएंगे उससे पहले जिस कैलेंडर का हम प्रयोग करते थे बताएंगे हम उसके बारे में भी विस्तार से, और बताएंगे किसने खोज की ग्रीगोरियन कैलेंडर की। सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हमारे सभी दोस्तों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत की जाती है। इस कैलेंडर की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इससे पहले रूस के द्वारा बनाया गया रूस का जूलियन कैलेंडर फॉलो करते थे। पूरी दुनिया इस कैलेंडर को फॉलो करती थी। इस कैलेंडर में केवल 10 ही महीने होते थे। उसके बाद अमेरिका के फिजिशियन एलाइसिस लियेसिस ने पेश किया नया कैलेंडर जिसे कहते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर जिसमें 1 जनवरी को माना गया है साल का पहला दिन, और उसी ग्रीगोरियन कैलेंडर के माध्यम से हम बनाते हैं नया साल 1 जनवरी को। थैंक यू।